मैं मनोज कुमार मीना। आज हम डिस्कस करेंगे जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे सिर्फ सेकंड के, लाइफ साइंस के बी पार्ट और सी पार्ट के, तो उनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बोज का क्लासिफिकेशन आधारित है। ऑप्शन थे आरएनए, डीएनए, एटीसी और बाकी थे जो याद नहीं है। तो इनका आंसर जो मुझे लगता है वो था आरएनए, और मैंने और भी कई जगह चेक किया है तो आरएनए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल, व्हेन टू स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट, जो क्वेश्चन मैंने हिंदी में पढ़ा था और ये इंग्लिश में पढ़ा था जो याद है जितना मुझे, कि जो लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल था उसमें बताया गया था या पूछा गया था कि दो स्पीशीज कब एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो उनमें ऑप्शन थे अंतरजातीय संघर्ष और अंतराजातीय, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, या फिर समान उनमें शक्ति हो या इनमें संघर्ष नहीं हो, दोनों संघर्ष नहीं करें, ऐसे ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ओपेरन एक्टिव वहन, कि लैक ओपेरन जब एक्टिव होगा तो क्या होगा या कब होगा। तो इसमें ऑप्शन थे ऐसे प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ऐसे ये आंसर जो लगता है जो मैंने चेक किया है माइनस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा टेस्ट में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे दो दो ऑप्शन होते हैं अलग अलग बॉन्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएनपी, इसमें एसएनपी के बारे में पूछा गया था कि एसएनपी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्स फ्री एनर्जी स्टेटमेंट, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी है उसके बारे में पूछा गया था, कई स्टेटमेंट थे अलग अलग, तो उनमें सही देखना था गलत देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, जो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो आंसर है राइबोसोमल आरएनए पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन हैं जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उनका आंसर हमें मिल चुका है, थोड़ा बहुत मिल चुका है। फोटो रेस्पायरेशन सीरीज सिंथेसाइज किस में होता है, संश्लेषण फोटो सीरीन का कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ऑप्शन था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन था जिसमें चार ऑप्शन दिखा रखे थे, मैच करना था उनमें, तो उनमें की स्टोन स्पीसीज थी वो बीवर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल सेल एनीमिया जो होता है उसके बढ़ावे से क्या हो जाता है, तो इसमें एक ऑप्शन था हेट्रोजाइगोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाने वाले इनहिबिटर हार्मोन फंक्शन, जो इनहिबिटर हार्मोन फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन था FSH सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालोगस स्ट्रक्चर संयुग्म में लगाइए, इनमें ऑप्शन थे पेन के दौरान कौन सा रिसेप्टर होता है, तो इसमें ऑप्शन था एक ब्राडाइकाइनेज काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो क्या सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसे ऑप्शन थे जैसे जो हिमनद हैं उनका रसकलन, और भी था जैसे गर्मी का बढ़ना, बहुत ज़्यादा तापमान होना, ऐसे कई सारे ऑप्शन थे, उनमें भी सही मैच करना था, ए एंड बी सही है या बी सी सही है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोमाइसिन इज इनहिबिटर ऑफ 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल इन प्रोकैरियोट्स, जो इरिथ्रोमाइसिन है वो किसका इनहिबिटर है, तो इसमें 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, ये इसका आंसर था। ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन ए माइनस सिग्नल सीक्वेंस, कौन सा कोशिकांग है जो जिसमें ए सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन था एक हेक्सोमाइट, ऑप्शन थे जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, एक ऑप्शन और था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था विच हार्मोन रिसेप्टर डज नॉट कंटेन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, इसमें टायरोसिन था या एंटेनिसिक, इसका फिक्स नहीं पता। ऑप्शन थे EGF, PDGF, GH और इंसुलिन, इनमें आंसर है GH। अगला क्वेश्चन है जंगल में आग लगने के बाद वापस से होने वाला क्रम, कौन सा क्रम होता है जब जंगल में आग लग जाए फिर वापस से जब प्रजाति या प्रकृति शुरू होती है उगना, तो कैसा क्रम होता है, तो ये ऑप्शन मुझे राइट लगा, ऑप्शन था लाइकेन या फंगस होते हैं जो, फिर ग्रास, फिर हर्ब्स, फिर ट्री। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो पिछले वीडियो में भी इसकी बात हुई थी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होगा 50%। अगला क्वेश्चन है रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन जनरेट मल्टीपल कॉपी, इसका आंसर है जीनोम। एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें संतति के बारे में पूछा गया था, उनका वजन दिया गया, वजन के बारे में दिया गया था, बाकी और भी कुछ था क्वेश्चन में वो इतना याद नहीं है, लेकिन वजन ऐसे था कि 1 किलोग्राम का जो पेरेंट पहला पेरेंट है सेकंड पेरेंट इनका मल्टीप्लाई करके बट, तो ये 3.2 kg का सेकंड पेरेंट, तो F1PD जो अपीयर होगी ऐसा पूछा था उसने, तो जो F1PD अपीयर होगी वो 2.2 kg की होगी। जो अगला क्वेश्चन है ये जनरल एप्टीट्यूड से है जो पिछले वीडियो में रह गया था, ये क्वेश्चन है कोई अपने स्थान से उत्तर में 1500 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व में 500 किलोमीटर, फिर अपने दाएं में 1500 किलोमीटर, फिर अपने बाएं में 500 किलोमीटर,
चलता है। अब वह कहाँ होगा? तो ये समझ में आ गया होगा क्या पूछा इसने, कि जहाँ भी खड़ा है तो अपने से उत्तर में, उत्तर दिशा में वो चलता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं में 15 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं में 5 किलोमीटर चलता है। अब वह कहाँ होगा? तो आंसर है जहाँ से चला था वहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एपोप्टोसिस इन सेल लिगेंड्स, इनका ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें था ये ऑप्शन राइट था, मतलब एक ही ऑप्शन है ये, EGL फर्स्ट, फिर EGL9, फिर CED4, फिर CED3, और फिर एपोप्टोसिस। ओके थैंक यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शिफ्ट फेस्ट जो 21 नवंबर में लाइफ साइंस का एग्ज़ाम था उसके बारे में होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो और इनके आंसर, जिनके आंसर मैंने नहीं दिए उनका आंसर पता हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।